अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C21 न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़्मा श्वाक। सबसे पहले हेडलाइंस। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए DPO ज़ीशान अज़गर की ज़ेरे सदारत इजलास। जानवरों का इतवार बाजार, नायाब इकसाम के परिंदे अपने मिसाल आप। हिंदू कम्युनिटी भारत के खिलाफ तरापा एहतजाज। कराची एथराइटिस फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत एथराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस आगाही वॉक और सेमिनार का अहतमाम। मकबूजा कश्मीर की आवाम रोजाना रेफरेंडम के जरिए भारतीय कब्जा मुस्तरद करते हैं, सदर आज़ाद कश्मीर। और अब खबरें तफसील के साथ। रहीम यार खान में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सादिक शहीद पुलिस लाइन में DPO ज़ीशान अज़गर की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िला भर के ड्यूटी अफसरान समेत सिक्योरिटी ब्रांच के अहलकार भी शरीक हुए। इजलास में अहल तशी के सूबाई और ज़िले अहदेदारों समेत अहल तशी रजाकारों ने भी शिरकत की, जिन्हें मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी तलाशी और निगरानी के तरीक़ेकार से आगाही फराम की गई और इन्हें ज़ाब्ते इखलाक और कवानीन की पाबंदी के बारे में भी आगाह किया गया। DPO ज़ीशान अज़गर ने अपने खिताब में यकीन दिलाया कि अमन व अमान और कानून की बालादस्ती हर सूरत में कायम रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को आम हालात से बढ़कर अपनी पेशावराना उमूर अदा करने हैं, जबकि इनकी तमाम कोशिशों को समर आवर बनाने में अहल तशी अहदेदारों और मुंतज़मीन का तआवुन। कराची में गुज़िश्ता कई बरसों से इतवार को यक्ताबाद में जानवरों का बाज़ार सजाया जाता है, जहां मुख्तलिफ नायाब इकसाम के जानवर दस्तियाब होते हैं। जानवरों के इस बाज़ार में खाकी रंग का नायाब तोता, मुख्तलिफ इकसाम की मुर्गियां और रंग बिरंगी हसीन परिंदे लाए जाते हैं। इस मौके पर ज़रा अबलाग़े आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक ख़रीदार का कहना था कि ये मार्केट पालतू जानवरों के लिए बेहतरीन जगह है, जहां मुतादिद इकसाम के नायाब जानवर लाए जाते हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से माकूल इंतज़ाम ना होने की वजह से ख़रीदारों बेचने वालों समेत जानवरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुल्क भर की तरह पेशावर की हिंदू बरादरी ने भी भारतीय जहरियत और मजालिम के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे, जबकि मुजाहरीन की जानिब से भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का सिलसिला भी जारी था। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि पाकिस्तान की तमाम आवाम मुत्तहिद है और पाक फौज के साथ है, ताहम पाकिस्तान के खिलाफ हमले का सोचना भी इंडिया की हिमाकत होगी। अर्थराइटिस फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन PAS और POA के इश्तराक से अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस आगाही वॉक और सेमिनार का अहतमाम किया गया। वर्ल्ड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस डे के मुनक्कदा इस वॉक से कबल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहरीन ने अपनी कीमती राय से हाजरीन को आगाही फराम की, जबकि हड्डियों की सोजिश और हड्डियों का भुरभुरापन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गईं। इस मौके पर ज़रा अबलाग़े आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुंतज़मीन का कहना था कि स्काउट तहरीक इंसानियत की खिदमत के लिए काम करती है। हम बच्चों को मुल्क का मुफीद और बाकिरदार शहरी बनाकर माशरे में पेश करते हैं। इस सिलसिले में हमने हड्डियों के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया है, जिसका मकसद अपनी फैमिलीज और आम शहरियों को हड्डियों की बीमारी से मुतालिक आगाही फराम की जाती है। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम रोज़ाना रेफरेंडम के ज़रिए भारतीय कब्ज़ा मुस्तरद करते हैं, दुनिया मसलहत का शिकार है, इसलिए खामोश है। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बरदारी कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। अमरीका इस हवाले से अपना मौकफ तब्दील करे या ना करे, मसला उठाते रहेंगे, बेहतर बात यह है कि भारत मुज़ाकरात की तरफ लौट आए। मसूद खान का कहना था कि भारत उड़ी वाकये की आड़ में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके मकबूजा कश्मीर में जारी अपने मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। इस मामले पर दुनिया मसलहत का शिकार है, जबकि मजालिम की इंतहा यह है कि भारत खून भी बहा रहा है और पानी भी बनकर रहा है। ये थी अब तक की खबरें C21 न्यूज़ में। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट C21 online.tv। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।